नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। तो जम्मू में जो ड्रोन मिला था, जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा ड्रोन उड़ाया गया और बम गिराए गए, हमले किए गए, तो उसके बाद सारे जगह चौकसी बढ़ा दी गई है। इस बीच बिहार से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि बिहार में SSB ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया है। तो इस बीच बड़ी खबर है, जहां सीमा पर ड्रोन मिले और उसके बाद सीमा पर जो है हमले की जो पाकिस्तानी साजिश बताई गई कि इस तरह से ड्रोन उड़ाया गया और हमला किया गया, ड्रोन हमला किया गया। तो उस बीच बिहार से जुड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बिहार नेपाल सीमा पर 8 ड्रोन कैमरे बरामद किए गए हैं। आपको पूरी खबर हम बताते हैं कि भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB ने 8 ड्रोन कैमरा बरामद किया है। बताया जा रहा है ड्रोन कैमरा के बारे में कि ये चीन निर्मित है, जिसे 3 तस्कर नेपाल के रास्ते भारत ला रहे थे। गुप्त सूचना पर गुआबारी सीमा पर तैनात SSB के जवानों ने कार को रोका और जांच के दौरान आपत्तिजनक सामान को बरामद किया है। कार में सवार तीनों तस्करों को SSB के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। कुंडवा चैनपुर थाना के पुलिस को सौंप दिया गया है। जो तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, कुंडवा चैनपुर थाना ने केंद्रीय खुफिया विभाग के रक्सौल शाखा से संपर्क कर जांच करवाया है। तो केंद्रीय खुफिया विभाग की जो शाखा है वहां पर जांच किया गया है। ये पुलिस ने ये मामला उन्हें सौंपा है और जांच के बाद पुलिस ने तीनों तस्करों को जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है देश की सीमा पर, और सरकार तक जो है सख्ते में है। जिस तरह से हमला किया गया ड्रोन के द्वारा, ड्रोन सीमा पर उड़ाए गए, उसके बाद अब बिहार में भारत नेपाल सीमा पर 8 ड्रोन कैमरे बरामद किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसी और बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ है। तो इस मामले की जांच पुलिस फिलहाल कर रही है। तीनों तस्करों को जेल भेजा गया है और अब जो है पुलिस आगे की जांच के लिए जो है वरीय अधिकारियों की प्रतीक्षा कर रही है कि क्या कुछ आदेश आएगा। और इस संबंध में जब SP नवीन चंद्र झा ने बताया है कि 8 ड्रोन कैमरे बरामद किए गए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, वो पूरा बयान आप सुनिए। तो सुन लिया आपने कि SP ने बताया है और पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उजले कार वैगन R कार से ये तमाम जो कैमरे लिए ले जाए जा रहे थे और SSB ने इन्हें पकड़ा है और कुंडवा चैनपुर थाना को सौंपा है। तो अब उन्होंने कहा है कि कैमरे क्यों लाए जा रहे थे, इनकी मंशा क्या थी, सभी पहलुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। जांच के बाद ही पूरे मामले पर स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। तो ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से ड्रोन पर अभी विवाद खड़ा हुआ है और सीमा पर जिस तरह से तनाव बढ़ गया है और पड़ोसी देश की ये साजिश बताई जा रही है, उस बीच अब बिहार में ड्रोन कैमरे बरामद होना कहीं ना कहीं बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा है। खैर, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।